सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज है 18 अप्रैल, अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं और हम लोग हैं कटरा में निहारिका होटल में और रूम में। अभी मैं रूम से बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पे। रूम के पीछे का जो व्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। पूरा जो है त्रिकूट पर्वत, जहाँ पे चढ़ाई का रास्ता, दरबार भवन, लगभग सभी कुछ यहाँ से दिख रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पीछे का। और मेरे पीछे भी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो लगभग 4 बज चुके हैं, सभी लोग रेडी हो रहे हैं और यात्रा की तरफ। अभी यात्रा पर्ची काउंटर पर जाएंगे, स्लिप बनवाएंगे और देन उसके बाद यात्रा स्टार्ट होगी। तो एक एक करके पहले सब लोग रेडी हो रहे हैं। मैडम भी तैयार हो रही हैं, अभी उनसे भी मिलवाते हैं आपको। मम्मी रेडी हो चुकी हैं, अथर्व, देवांश, भाभी, अभिषेक, लगभग सभी लोग। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी सिम के रिगार्डिंग। सिम नहीं चल रहा था, जो कि हम लोगों ने घर से ही पोस्टपेड करा लिया था, पर फिर भी वो यहाँ वर्क नहीं कर रहा था, तो नए सिम लेने पड़े हैं। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से पूरा जो पहाड़ का व्यू है। बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये है जस्ट बैक साइड में हमारा रूम। रूम के अंदर का व्यू अभी आपको दिखाएंगे कि रूम कैसा है। और पीछे का नज़ारा तो भाई साहब क्या कहें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब आप वीडियो में देखिए, वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। तो कुछ ये है रूम से बाहर बालकनी का व्यू। आप देख पा रहे हैं कि ये रास्ते का जो ट्रैक है वो भी सामने दिख रहा है। ये भवन जाने का नया रास्ता है, जो ताराकोट मार्ग जिसको कहते हैं। और ऊपर आपको दिख रहा होगा, कई जगहों से आपको रास्ते दिख रहे होंगे। पेड़ों का खूब घना जंगल हो रखा है, इस वजह से कहीं के रास्ते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी रास्ते आपको दिख रहे होंगे। तो ये है पूरा त्रिकूट पर्वत, जहाँ पे माता रानी का ऊपर है भवन। और होटल निहारिका में हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ से। ये पूरा आपका कटरा बस स्टैंड है, यहाँ पे बस सारी बसेस लगी हुई हैं और ट्रेवल्स की गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। तो ठीक बस स्टॉप के बगल में आपको होटल निहारिका मिल रहा है। बहुत खूबसूरत होटल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे पास 2 रूम अलॉट थे, 315 और 320। 320 नंबर का नज़ारा जो है आप ये अभी देख रहे हैं कि 320 नंबर का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे साउंड इशू हो रहा है, क्योंकि बस स्टैंड है तो हॉर्न्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। ये है फ्रंट व्यू जो कि बालकनी से आता है। अभी मैं अंदर रूम से भी आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। सो गाइज, अभी मैडम फाइनली तैयार हो चुकी हैं और बाकी लोग भी रेडी हो चुके हैं, भाभी भैया और अभिषेक को छोड़ के। अब लग रही है बहुत जोर की भूख, तो पहले खाना खा आते हैं चल के, उसके बाद बाकी लोग तैयार होंगे तब निकलते हैं। तो चलें, भूख नहीं लगी है? भूख लग रही है गाइज बहुत तेज, क्योंकि अभी हो रहे हैं शाम के 4 और सुबह नाश्ते के अलावा अभी और कुछ भी नहीं खाया है। तो गाइज, अभी सबसे ज़्यादा लग रही थी चाय की नीड, तो खाने का प्लान हो गया है अभी कैंसिल। और खाने का जो भी प्लान होगा वो होगा रास्ते में ही बीच में, तो क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स और बहुत सारे होटल्स, छोटे छोटे कैफेज अवेलेबल हैं रास्ते में। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अभी चाय की, तो चाय लेने के लिए यहाँ पे आए हैं भाई के यहाँ पे। और अब जाकर के अदरक वाली चाय मिल रही है, वरना रेलवे की चाय पी के एक दिन में पूरा दिमाग ख़राब हो गया है। सो गाइज, अभी चाय नाश्ता करने के बाद अब सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, अब निकल रहे हैं हम लोग यात्रा पर्ची काउंटर पे जाने के लिए। और जोर से बोलो, वैष्णो रानी की जय।
सो गाइज ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, होटल निहारिका। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग आगे सभी जा रहे हैं और मैं हूँ थोड़ा सा पीछे। मेरे जस्ट ठीक आगे आप देख रहे हैं सामने त्रिकूट पर्वत, और अब यहीं से यात्रा शुरू हो रही है। पर्ची काउंटर इधर ही आसपास कहीं पे है, तो अभी जा रहे हैं पर्ची काउंटर की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरे भवन का, पूरे पर्वत का मॉडल है। तो ये मॉडल आप देख सकते हैं, ये मॉडल पूरे पर्वत का मॉडल है। जगह जगह पे जितनी चीज़ें हैं वो हर जगह पे आप देख पा रहे हैं। वो सामने आप देख पा रहे होंगे एक शिवलिंग बना है, ऐसा ही शिवलिंग माता रानी के दरबार के जस्ट नीचे है। वैसी ही सीढ़ियाँ, वैसी ही गुफा, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। और ऊपर वो मंदिर आप देख पा रहे हैं, वो है भैरव बाबा का मंदिर लास्ट में, जहाँ पे टावर है। टावर से नीचे ये सारे मार्ग बने हुए हैं अलग अलग तरह से। तो बस अब चलते हैं और मिलते हैं बाण गंगा चेक पॉइंट के पास में। तो यात्रा यहां से शुरू हो गई है और मुख्य द्वार पे हम लोग आ चुके हैं। ये है मुख्य द्वार यहाँ का। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो अब जयकारों के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, वैष्णो रानी मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मैंने सुनिया। जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वन प्रिय वासी निवास रते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंहालय मस्तगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनी कैटव मंजिनी रास। गाइज ये है बाण गंगा, और बाण गंगा के हालात आप इस टाइम देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे अभी फ़िलहाल गंदगी हो रखी है। लेकिन जिस वक्त यहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है उस वक्त माहौल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो भाभी और मैडम दोनों लोग यहाँ पे आगे आगे यात्रा करने चल रहे हैं। यहाँ पे हर्षित और मम्मी। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं सामने पहाड़ कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं और चढ़ाई उतनी ज़्यादा टफ है, पर कोई नहीं, जयकारों के साथ सारा जयकारों के साथ सारा सफर कट जाएगा।
सच्चे दरबार की जय, वैष्णो माता की जय। ये है आपके सामने इच्छा पूर्ण मंदिर दुर्गा माता का। यहाँ पे जो भी मानता आप मानेंगे वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और शाम हो चुकी है और जगहों के कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे अभी उजाला है अच्छा खासा। ये मम्मी आगे चल रही हैं। मम्मी थक रही हो? हिम्मत मिल जाएगी, चलते रहो। जय माता दी, 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 जय माता दी। हेलो पार्टी, मुझे तो मैं थोड़ा जा देती हूं। अपने पांव के छालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये है प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर के, और चरण पादुका मंदिर के दर्शन अभी आप कर रहे हैं अपने सामने। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा।
गाइस ये है नीचे पूरा कटरा शहर और रात में तारों की तरह चमचमा रहा है ये। दिन के टाइम यहाँ का नज़ारा कुछ और होता है लेकिन रात का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अर्धकुंवारी मंदिर से हम लोग लगभग थोड़ी सी दूर पे हैं अर्धकुंवारी मंदिर से। और यहाँ पे अर्धकुंवारी से अभी थोड़ी सी दूर पे है लेकिन अभी हालत सबकी डाउन हो गई है सभी की। हम लोगों की जब लगभग डाउन है तो पापा भी यहाँ खड़े हैं और मम्मी वहाँ बैठी हैं उधर। थोड़ी सी नहीं लगभग सभी की डाउन है। मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और इनके अंदर फिर भी हिम्मत आ जा रही है, झटके में एकदम आगे बढ़ जाती हैं थोड़ा बहुत। श्राइन बोर्ड का कढ़ी चावल और राजमा चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कढ़ी मज़ा आ गया इनको, है ना मल्लू? अच्छा तो गाइस अभी टाइम हो रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं इस टाइम पे और अर्धकुंवारी क्रॉस करके हम लोग हिमकोटी मार्ग से होते हुए भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब हालत पस्त हो गई है बहुत ज़्यादा, लगभग सभी के हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। पर धीरे धीरे एक एक किलोमीटर एक एक किलोमीटर करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोग भवन से 5 किलोमीटर दूर है तो देखते हैं अभी और कितना समय लगता है। और यहाँ सभी की हालत जो है डाउन है लेकिन जय माता दी करते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। देवांश ने बहुत हिम्मत दिखाई है। दो छोटे सिपाही हैं, देवांश अभी तक नहीं थका है, पैदल चल के आया है और कंटिन्यूअसली ये बच्चा जो है पैदल चल रहा है। उसके पास छोटा डंडा है लेकिन फिर भी वो चल रहा है। ऐसे वक्त होने चाहिए, गाड़ी सजा रहे हैं। चलते हैं, पहुँचते हैं भवन पर, उसके बाद मिलते हैं आपसे क्योंकि फोन में भी अभी बैटरी अब बहुत ज्यादा कम बची है तो मुझे थोड़ा सा अभी इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो गाइस अभिषेक जो है चिप्स खा रहे हैं और साथ में खिला भी रहे हैं। तो गाइस अभी 1:30 बज चुके हैं रात के और भवन के पास हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। मुश्किल से 100 से 200 मीटर के दूरी पर हैं अभी और मैं अभी आगे आ गया हूं जल्दी ही, बाकी सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी एक जगह पे बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं और हो सकता है इसके बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लिप ना दिखा पाऊँ क्योंकि फ़ोन वगैरह लॉकर में रखना पड़ेगा, सबमिट हो जाते हैं यहाँ पे, अलाउ नहीं है, इस वजह से आगे की क्लिप शूट नहीं हो पाएगी। तो इसके आगे जब मैं शूट करूँगा तब कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज ये है सामने माता रानी का भवन और 1:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अपने सामने आप देख रहे हैं वैष्णो देवी माता रानी का मेन भवन। ये है यहाँ पे प्रसाद भेंट शॉप, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। ये है भवन और इसके आगे अब जब फ़ोन मेरे पास आएगा तभी मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो यहीं से सबको जय माता दी और दर्शन कर लीजिए, माता रानी के दरबार आपके सामने है। जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वनम प्रियवासी निवास रते
शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निरालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनी कैटव वंजिनी रासरते ऊंचे चढ़ाई चढ़ के भक्त धाम पे जाते जय माता जी की बोल के जयकार लगाते दर्शन की बारी भक्त सभी की नहीं आती दर्शन उन्हें मिलता जिन्हें माँ आप बुलाती जय वैष्णो महामाई सारे जग की तू सहाय जय वैष्णो महामाई सारे जग की तू सहाय दुनिया अभी 6 बज चुके हैं सुबह के और 19 अप्रैल लग चुकी है 6 बज चुके हैं इस टाइम सुबह के और हम लोग जस्ट अभी भैरव घाटी पे पहुंचे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं हूं, मैडम है, देवांश हैं और हर्षित है, बाकी सारे लोग आ रहे हैं। और यहाँ का मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि आंधी तूफान और बारिश जैसा मौसम हो चुका है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे ट्रैक पे पानी ही पानी जो है बह करके आ रहा है बारिश का। तो अब जो है थोड़ी सी चढ़ाई बची है लेकिन अब बहुत मुश्किल है चढ़ाई। मम्मी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है चढ़ाई करते करते। देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी उनका कितनी देर में वो लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो चुकी है। तो गाइज ये है नज़ारा अभी भैरव घाटी के छत का और पूरे घनघोर बादल छाए हुए हैं इतने ज़्यादा कि पहाड़ भी आपको सामने के नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग अभी दर्शन करके आ चुके हैं भैरव मंदिर से और मम्मी बैठी हैं। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अभी बहुत मुश्किल से एक तो ये चढ़ी है। मैडम भी बैठी हुई हैं। अब देखते हैं कुछ अरेंजमेंट यहाँ से निकलने का क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम। चारों तरफ फिलहाल कोहरा और बादल के अलावा और कुछ नहीं है। ये ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर और कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, आप अभी भी देख पा रहे हैं बारिश हो रही है। गाइस अभी ब्लॉग को करने जा रहे हैं एंड और आज कुंवारी तक पहुंच चुके हैं, चढ़ाई करके वापस आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था, यहाँ पे मैडम भी बैठी हुई है इधर और अभी हम और मैडम ही सबसे पहले आए हैं यहाँ पे क्योंकि बाकी सब लोग एक एक करके आ रहे हैं तो सबका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कटरा शहर